स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति और मौसमी बीमारियों से निपटने की व्यापक तैयारियों का जायजा लेने बीजापुर जिले के लिए सोमवार को रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने बस्तर को मलेरिया मुक्त करने को लेकर बड़ा बयान दिया। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा कि भाजपा 5 सालों में बस्तर को मलेरिया मुक्त बना देगी। बीजापुर रवानगी से पहले स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बीजापुर प्रवास को लेकर कहा कि मौसमी बीमारियां प्रारंभ हो गई है। बस्तर क्षेत्र के बीजापुर जिले से बीमारी से मौत होने की जानकारियां मिली है। वह जिला अस्पताल में भर्ती लोगों से मुलाकात करेंगे और बस्तर संभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी लेंगे। बीजापुर जिले का दौरा है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मौसमी बीमारियां प्रारंभ हो गई हैं और बस्तर क्षेत्र के बीजापुर जिले में मलेरिया से बीमारी और उससे कुछ मृत्यु होने की जानकारी होने पर उसका पूरे संपूर्ण स्वास्थ्य विभाग से और जिला प्रशासन से हम लोगों ने जानकारी ली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल मुझे निर्देशित किया कि बीजापुर जाकर स्वयं मैं और हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, हमारे ACS हैं, हेल्थ सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर हेल्थ और MD NHM, ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों को भी हम साथ में ले जा रहे हैं। वहां जाकर जो बीमार हैं उनको जिला हॉस्पिटल में देखेंगे और साथ ही साथ जो कोटा केबिन है वहां भी मुआयना करेंगे कि और अच्छे से हम आने वाले समय में किस प्रकार से वहां मलेरिया को मुक्त कर सकें, मलेरिया से कम लोग प्रभावित हों। इसके लिए जिला प्रशासन और बस्तर संभाग के जो हेल्थ के डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अधिकारी हैं उनकी एक मौसमी बीमारियों पर हम लोगों का समीक्षा बैठक। ये विपक्ष का काम है मुद्दे को उठाना और हम तो चाहते हैं कि एक सशक्त विपक्ष की तरह कांग्रेस मुद्दों को उठाए। हम लोग जितना प्रयास पूरी हो सक रहा है पूरी ताकत के साथ प्रयास कर रहे हैं और कांग्रेस का ये कहना कि स्वास्थ्य विभाग ध्यान नहीं दे रहा है, अव्यवस्थाएं हो गई हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि इनके पिछले सालों के आंकड़े हैं, इस वर्ष के आंकड़े से कहीं ज्यादा मलेरिया से पीड़ित हुए हैं लोग। पिछले बार इनके जो मलेरिया के केसेस थे आज के समय तक अभी जितनी संख्या हुई है उससे कहीं ज्यादा थी, मौतें भी ज्यादा हुई थी, लेकिन हमको उस पर नहीं जाना है। हम लोग का प्रयास है कि कोई भी मौत ना हो, उसके लिए आज जा रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो कैंप लगवाएंगे, एक एक लोगों को वहां आवश्यकता अनुसार अगर मच्छरदानी कमी होगी तो एक एक परिवार को तत्काल मच्छरदानी भी देंगे। वहां जाकर लोगों के एक एक व्यक्ति का हम ब्लड टेस्ट कराएंगे और जो प्रभावित जो संक्रमित होंगे मलेरिया से ऐसे लोगों को डबल टेस्ट कराकर उसकी पहचान भी करेंगे, चूंकि मलेरिया के कई वेरियंट आ चुके हैं। और इस प्रकार से हम लोग एक बड़े उम्मीद और भरोसे के साथ बस्तर बीजापुर में जा रहे हैं कि मलेरिया से लोगों को हम राहत पहुंचा सकें। मैं बता दूं जब 2018 में हमारी सरकार आखिरी कार्यकाल था उस समय हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 1000 में 11 लोग मलेरिया से प्रभावित, जो स्टैंडर्ड आंकड़ा है भारत सरकार का। और जब 2023 में हम लोगों ने सत्ता संभाली उस समय तक का मलेरिया का मानक 1000 में प्रति 33 व्यक्ति है, तो कांग्रेस के कार्यकाल में 3 गुना ज्यादा मलेरिया बढ़ा है। और हम लोगों ने जो करीब 44 1000 में होता था उसको हम लोगों ने समूल नाश किया, सरगुजा को मलेरिया मुक्त किया, मैदानी क्षेत्र को मलेरिया मुक्त किया 15 सालों में, लेकिन बस्तर के कुछ जिले रह गए थे, 2-3 जिले, लेकिन आज बढ़कर 5-7 जिलों में इसका प्रकोप है। पूरे बस्तर को मलेरिया मुक्त हम इस 5 सालों के अंदर करेंगे, हमारा संकल्प है।